तमाम देश की जनता रोडों पर अपने घर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास ना जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है, ना उनके पास पैसा है। इसमें सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। सरकार द्वारा ही जो है अवैध वसूली पैसे लिए जा रहे हैं, बहुत ही दुखद रहा है। और नरेंद्र मोदी जी उस फंड का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, ये आप सब हम लोगों के सामने है। क्योंकि जहां इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश और पूरा विदेश जो है लगा हुआ है, वहां हमारे देश में कोरोना जांच की कीमत 3500-4500 रुपए, जो कि बहुत ही दुखद है। इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ बैठे हैं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस के कुंवर गौरांग देव जी। कुंवर गौरांग देव जी से हम पूछेंगे कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, ये महामारी फैल रही है, इसके बारे में वो अलीगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे। नमस्कार। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी अलीगढ़ की प्यारी जनता, मैं अपने प्रदेश की प्यारी जनता और अपने देश की प्यारी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये महामारी राष्ट्रव्यापी महामारी है, जिससे कि हर समाज का, हर वर्ग का आदमी इससे प्रभावित होगा। ये ना जाति ना धर्म देखती, ये मानवता देखती है। जिस प्रकार के आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि मानवता तार तार हो रही है, उस उपरांत हम लोगों को देश को एक बनाकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जो कि प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन का समय हम लोगों को दिया है, वह बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर हम लोगों को दिया है, जिससे हम अपनी जानों की रक्षा कर सकें। तो आप सब अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने परिवार को समय दें और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाएं। ये प्रदेश में पलायन की खबरें आ रही हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, व्हीकल्स बंद हैं, वाहन बंद हैं, तो इसलिए लोग पैदल ही चल रहे हैं, तो इस पलायन को लेकर आपकी क्या राय है? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ आदेशों पर अमल करती है, मगर जनता को, आम जनता को एक अच्छा समय देने पर, एक अच्छा पैकेज देने पर विश्वास नहीं करती। जब नरेंद्र मोदी जी ने अचानक टीवी पर आए और जिस प्रकार से नोटबंदी के लिए उन्होंने डिक्लेरेशन किया था और बहुत से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार से आज देश उनके इस निर्णय पर परेशान है। क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी जी 5 मिनट बोल के गए कि 21 दिन का लॉकडाउन, यदि वो 10 मिनट और बोलते और वो जनता को आश्वासन दिलाते कि जनता जहां जहां रह रही है वो वहीं अपने घरों में रहें, और जिस घर में किराए पर रह रही हैं तो किराएदार उनसे किराया ना मांगे, जो मकान मालिक है वो किराएदारों से जो है किराया ना मांगे, जो अब जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है उनको वैकल्पिक जो है खाने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जाए। यदि नरेंद्र मोदी जी इन चीज़ों पर ध्यान देते तो शायद जो इस समय मारामारी रोडों पर मच रही है और तमाम देश की जनता रोडों पर अपने घर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास ना जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है, ना उनके पास पैसा है, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जो शहरों पर रहने गए थे, आज वो मजबूर है अपने घर पर पहुँचने के लिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी इस देश में आ चुकी है जो कि बहुत ही जो है गंभीर है, जिससे हम सब लोगों को लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़ाई लड़नी है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को खाना, बिजली, ये सब चीज़ें पहुंचाएं, तो इस उसमें क्या लगता है कि सरकार विफल रही है? जो वादे सरकार कर रही है कि हम लोग जो हैं उनको मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज क्या ग्राउंड रूट पे या ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो वो उनके पास नहीं है क्या? मैं समझ रहा हूँ कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि यदि जनता तक वो प्रयास पहुंच रहे होते तो आज जो जनता सड़कों पर विफरी और बिखरी पड़ी है वो अपने अपने घरों में पहुँच चुकी होती, उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा होता। आज भारतीय युवा कांग्रेस की एक स्कीम है जिसमें हम आपके साथ हैं, एक स्कीम का ऑल इंडिया जो है हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया गया है, हर प्रदेश पे हमारे जो है सहयोगी, जिसमें मेरा भी नंबर जो है उत्तर प्रदेश से दिया गया है, जो कि दिन में मेरे पास भी कम से कम 100 कॉलें आती होंगी पूरे भारतवर्ष से, जो कि कोई लोग कहते होंगे कि मेरे 10 आदमी जो है उस जगह फंसे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं मिल रही। प्रदेश सरकार ने जो भी स्कीमें लागू करी हैं जनता के लिए वो विफल हैं, क्योंकि जो बसों को उनको अपने अपने घरों को पहुंचाने के लिए लगाया गया है वहां 2-3 गुना पैसा अवैध वसूली के रूप में जो है बस संचालकों द्वारा जो है वो लिया जा रहा है, और वो बसें उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, जो कि बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ऐसे कुछ टिकट वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया गया है कि 10-4 गुना किराया है, तो इस टिकट में जाके इस दुविधा में फ्री सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को, तो क्या ये सरकार की तरफ से है या जो ये लोग हैं बिचौलियाँ हैं इनकी मनमानी चल रही है? जब सरकार की सीधी नज़र इन चीज़ों पर होती है तो इसमें बिचौलियों का कहीं भी कोई रोल नहीं रह जाता,
ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है, पूरे देश की समस्या है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसी महामारी है जिससे आदमी हाथ मिलाने से भी इन्फेक्टेड हो रहा है, जो कि बहुत दुखद है। तो इसमें सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है, सरकार द्वारा ही जो है अवैध वसूली पैसे लिए जा रहे हैं, बहुत ही दुखद है। प्रियंका गांधी जी द्वारा निरंतर प्रदेश के मुखिया एवं केंद्र के मुखिया को जो है लेटर लिखा जा रहा है कि जितने भी लोग जहां फंसे हुए हैं उनकी तत्काल प्रभाव से मदद की जाए। जो टोल फ्री नंबर सरकार द्वारा चलाए गए हैं या फिर होम डिलीवरी खाने के लिए चलाए गए हैं, जो भी चलाए गए हैं, उनमें से बहुत से नंबर बंद हैं। लेकिन पीएम केयर्स में जो आम आदमी फंड दे रहा है, वो डोनेट कर रहा है, तो फिर उस पैसे का क्या हो रहा है? उस पैसे के बारे में ना तो मैं जानता हूं, ना ही कोई देश का एक आम नागरिक जान सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के फंड में जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी उस फंड का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं ये आप सब हम लोगों के सामने है। क्योंकि जहां इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश और पूरा विदेश जो है लगा हुआ है, वहां हमारे देश में कोरोना जांच की कीमत 3500 और 4500 रुपए, जो कि बहुत ही दुखद है। जहां पर ये फ्री होनी चाहिए, जहां विदेशों में ये फ्री है कि आप अपने कोरोना वायरस को आप जान सकें कि हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड तो नहीं है, जिससे हम एक दूसरे से छुल के जो है एक दूसरे को अफेक्शन तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं फैला सकते, वहां हमारे देश में 3500 और 4500 रुपए का टेस्ट हो रहा है। बहुत ही दुखद है। यदि इतना पीएम रिलीफ फंड में पैसा जा रहा है, आपदा में पैसा जा रहा है, लोग अपने जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी इस फंड में जो है सहयोग करने को तैयार है सरकार में। हमारी कांग्रेस पार्टी तत्पर है, सारी अपोजिशन की पार्टियां तत्पर है, मगर महा नरेंद्र मोदी जी जो है अपने फंड को खोलना नहीं चाह रहे, ये क्या कारण है ये हम भी नहीं जानते। आखिरी सवाल, ये आयुष्मान सर्विसेज जो सरकार ने शुरू की थी, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आयुष्मान सर्विस जो है इससे प्रभावित है, तो आपके संज्ञान में कैसा मामला आया है? मेरे संज्ञान में ये आया, जो भी आयुष्मान कार्ड जिन लोगों ने अपने अपने घरों में बनवा रखा था, वो सरकार के द्वारा जो नियुक्त लोग थे, जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए लेकर अवैध जो गलत लोग थे उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनवाया, जो कि बहुत ही दुखद है। आज मुझे दर्द होता है कि इस देश में जहां जो है इंदिरा जी और राजीव जी ने नई नई योजनाओं के तहत, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की योजना थी, चाहे राजीव जी की योजना थी, चिकित्सा के मामले में उन्होंने नए नए जो है एक विकल्प रखे ताकि जनता जो है अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर चिकित्सा ले सके, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी स्कीम आयुष्मान भारत चलाई, जिसमें कि आज वो सारे रजिस्ट्रेशन रद्द हुए चले जा रहे हैं, जिसमें मुझे एक बहुत ही बड़े घोटाले की बूसी आती है। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, सरकार का सहयोग करें, लेकिन जहां सरकार आप लोगों के साथ नहीं खड़ी, आप अपनी आंखें खोलें, आप देखें कि आपके साथ सरकार का जो रवैया है वो कैसा है। तो जहां सरकार आपके साथ नहीं खुली है, आप वहां सरकार का रवैया देखें और आंखें खोलें। अपील इंडिया इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की भी आपके साथ यही है कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें।